खुदेतमादी गुफ्तगु और दोस्ती का फन। तहरीर वकार अजीज। ऑडियो प्रोडक्शन अर रहमान ऑडियो वर्ल्ड। चौथा बाब एक उम्र रसीदा औरत। एक सहाफ़ी एक ऐसी उम्र रसीदा औरत का इंटरव्यू ले रहा था जिसकी उम्र 100 साल हो चुकी थी। यह मुअम्मर औरत की सालगिरह का मौका था। सहाफ़ी उस औरत की जहानत से बहुत मुतासिर हुआ। उसे बड़ी हैरत हुई कि यह खातून इतनी बूढ़ी होने के बावजूद रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलों में किस कदर दिलचस्पी रखती है। उसने खातून से पूछा, आप इतनी मुअम्मर हो चुकी हैं लेकिन आपकी तमकिनत बदस्तूर कायम है, आखिर ये क्या राज है? मुअम्मर औरत ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि अगर लोग मामूली बातों पर बेजा तरीके से परेशान होना छोड़ दें और खुद को हलकान ना करें तो वो अपनी उम्र से दुगनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ज़रा मेरे साथ इस खिड़की के करीब आइए और देखिए कि लोग किस तरह हलकान हो रहे हैं, उन्हें किस कदर जल्दी है और वो कितनी घबराहट में मुबतला हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी ज़िंदगी में सुकून का एक लम्हा भी नहीं, उनके पास एक भी ऐसी मुस्कुराहट नहीं जो दूसरे लोगों को अनायत की जा सके। जब आप मेरी उम्र को पहुंचेंगे तो आपको महसूस होगा कि ज़िंदगी के मसाइल वक्त गुजारने के साथ साथ खुद बहुत हल हो जाते हैं। हम जिन चीज़ों के हसूल के लिए परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि इन चीज़ों को हासिल करना हमारे ज़िंदगी का अवलिन मकसद है, जब वो चीज़ें हमें हासिल हो जाती हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ें इस काबिल नहीं थी कि उनके लिए इतनी ज़्यादा जदोजहद की जाती। पुरमसरत और तवील उम्र का राज। उस उम्र रसीदा औरत ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि अक्सर लोग मुसलसल इसराब का शिकार रहते हैं। अगर वो इस ज़हनी दबाव पर काबू पा लें जो उन्हें कारजार हयात में दीवानावार इधर से उधर भागने पर मजबूर करता है तो यकीनन वो अपनी उम्र से दुगनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अक्सर लोग दुनियावी मकासद के हसूल में इस कदर उलझे हुए होते हैं कि अगर उन दुनियावी मकासद के हसूल में उन्हें ज़रा सी भी दुश्वारी पेश आए तो उनका दिल डूबने लगता है या फिर खून का दबाव बेहद बढ़ जाता है। याद रखिए कि मुसलसल ज़हनी तनाव आपको चिड़चिड़ा बना देगा। इस मुसलसल इस्तराब की वजह से आपकी शख्सियत में वो ठहराव बाकी नहीं रहेगा जो लोगों से ताल्लुकात को बरकरार रखने और खुशगवार बनाने के लिए ज़रूरी है। मेल मिलाप एक अज़ियत। जब हमें ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो हमें नाखुशगवार महसूस होता है तो फिर हम उस नाखुशगवार काम को सर अंजाम देने के लिए अपनी तमाम हिसाबी तवानाई जमा करते हैं और इस मकसद के लिए हमें खुद पर काफ़ी दबाव डालना पड़ता है। फ़र्ज़ करें डॉक्टर आपका दांत भर रहा है, आपको मालूम है कि दांत भरने के दौरान शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, चनाचा आप उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। आप कुर्सी के बाजुओं को मजबूती से पकड़ लेते हैं और अपने तमाम जिस्म को अकड़ा लेते हैं ताकि आप तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल इसी तरह शर्मीलेपन के मरीज़ के लिए भी लोगों से मिलना जुलना एक तकलीफ़दा काम है। जो ही ऐसा शख्स किसी से बातचीत शुरू करता है उसकी जिस्मानी हालत में तब्दीली पैदा होना शुरू हो जाती है। उसके जिस्म में ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है जैसे वो इंतहाई कर्ब की हालत में है, जिस्म में कपकपाहट पैदा होने लगती है और वो इंतहाई घबराया हुआ दिखाई देता है। चनाचा ऐसा शख्स जब बातचीत की कोशिश करता है तो उससे अपनी आवाज़ भी नहीं पहचानी जाती, वो दूसरे आदमी की बात पर भी तवज्जो नहीं दे सकता और उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि दूसरा क्या कह रहा है। चनाचा एहसास कमतरी और शर्मीलेपन के मरीज़ का हुलिया बिगड़ जाता है, ना तो उससे बात होती है और ना ही अपनी जिस्मानी हरकत पर उसका काबू रहता है। चनाचा वो बितु के अंदाज से इधर उधर हिलता है, वो कई बार पहलू बदलता है और अपने हाथ पांव को बेढंगे तरीके से इधर उधर हिलाता है। लोग आप पर तनकीद नहीं करते। शर्मीले आदमी को ये याद रखना चाहिए कि बातचीत के दौरान लोगों की तवज्जो उसके वजूद की तरफ नहीं होती और ना ही वो तनकीदी नज़र से उसकी शख्सियत का जायज़ा ले रहे होते हैं।
लेकिन शर्मीले आदमी को ही महसूस होता है कि दूसरे लोग उसका जायज़ा ले रहे हैं। वजह यह होती है कि उसकी इतनी तवज्जा हमेशा अपने वजूद की तरफ होती है। वो ये सोचता रहता है कि मैंने बात सही तरीके से की है या नहीं, मेरा लिबास ठीक है या नहीं, मेरी टाई का रंग अच्छा है या नहीं, वगैरह वगैरह। शर्मीला आदमी चूँकि खुद अपना जायज़ा लेने में मसरूफ़ होता है, लिहाजा उसे ये महसूस होता है जैसे दूसरे लोग भी उसकी हर चीज़ का तनकीदी निगाह से जायज़ा ले रहे हैं, हालांकि ये महज उसका वहम होता है। लोग आपसे गुरेज करने लगेंगे। याद रखें कि लोग ज़्यादा सोचो विचार के आदि नहीं होते, वो हल्की फुल्की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और ज़्यादा संजीदगी इख्तियार करने से गुरेज करते हैं। वो चाहते हैं कि ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरे। अगर आप हर वक्त घबराए हुए और परेशान हाल दिखाई देंगे तो वो आपसे गुरेज करने लगेंगे। इसलिए नहीं कि वो आपको नापसंद कहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप उनकी हंसी खुशी से गुजरने वाली ज़िंदगी में अपनी उलझनों का जहर घोलना चाहते हैं। आपकी उलझने और घबराहट उन पर भी असरअंदाज होती हैं और उनकी खुशगवार ज़िंदगी में हलल पड़ता है। मसलन वो आपसे गपशप लगाना चाहते हैं मगर आप बातचीत करने के मूड में नहीं होते, या अगर आप बातचीत करना चाहते भी हैं तो महसूस होता है जैसे आप बातचीत करने से गुरेज कर रहे हैं। वो आपके साथ हंसी मजाक करना चाहते हैं लेकिन आपकी जहनी उलझने आपको हंसी मजाक की इजाज़त नहीं देती। चनाचा लोग आपसे गुरेज करने लगते हैं और वो आप पर उन लोगों को तेजी देने लगते हैं जो खुश मिजाज होते हैं। घबराहट पर काबू पाइए। इसाबी तनाव और घबराहट पर कोशिश के जरिए काबू पाया जा सकता है। अपने आप को ये यकीन दिलाएं कि घबराने और खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने जिस्म को कुदरती अंदाज में रहने दें, गहरे और हमवार सांस लें। अगर आप कुर्सी पर बैठना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। अपने सारे का सारा बोझ कुर्सी के किसी एक बाजू पर ना डालें। यूँ बैठें कि आपका सारा बोझ कुर्सी पर पड़े। अपने पट्ठों को एक एक करके ढीला छोड़ते जाएं। बिल्कुल इसी तरह अपने जहन को भी पुरसकून हालत पर लाने की कोशिश करें। अपने बारे में परेशान होना छोड़ दें। इस उलझन में मुब्तला ना हो कि आप बातचीत में किस तरह और क्या हिस्सा लें, आप क्या कहें, कौन सी ऐसी बात करें जिससे लोग मुतासिर हों। आप बस इतना करें कि लोगों की बातें तवज्जो से सुनें और उनमें दिलचस्पी लें। अपने आप को कती तौर पर भूल जाएं। जो लोग स्टेज के ड्रामों में हिस्सा लेते रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों के सामने स्टेज पर आकर एक किरदार की हैसियत से महज खड़ा रहना भी किस कदर मुश्किल होता है। बिल्कुल इसी तरह किसी महफिल में तमकनत के साथ बैठना और लोगों की बातें सुनना भी एक अदाकारी है जो इतनी आसान नहीं। चनाचा शर्मीले आदमी की मिसाल एक ऐसे नर्वस अदाकार की है जो स्टेज पर आकर घबरा जाता है क्योंकि उसे ये ख्याल सताने लगता है कि लोग दिल ही दिल में ज़रूर उस पर नुक्ताचीनी कर रहे होंगे और उसका मजाक उड़ा रहे होंगे। डॉक्टरों का कहना है कि एक सेहतमंद आदमी की त्वचा अपने जिस्म की तरफ नहीं जाती, क्योंकि अगर आदमी सेहतमंद है तो त्वचा के बगैर ही जिस्म अपना काम दुरुस्त तरीके से सर अंजाम देता रहेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप महफिल में फितरी अंदाज इख्तियार करें और मसनू अदाएँ ना दिखाएँ तो आपकी हर अंदाज में खुद बहुत वकार पैदा हो जाएगा और आपको दानिस्ता तौर पर अपनी शख्सियत को पुरवकार बना करने की कोशिश नहीं करना पड़ेगी। लेकिन अगर आपको बिला मकसद हाथ पांव इधर उधर हिलाने की बुरी आदत है तो फिर आपको इस आदत पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। बुरी आदतों और बेढंगी हरकतों पर काबू पाने की कोशिश के सिवा आपको दानिस्ता तौर पर कोई और कोशिश नहीं करनी चाहिए। मसलन आपको इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं चलता कैसे हूँ, उठता किस अंदाज से हूँ और मेरे बैठने का तरीका क्या है। अगर आप उठने बैठने और चलने फिरने के अंदाज को दानिस्ता तौर पर बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे आपके हर अंदाज में बेढंगापन पैदा हो जाएगा जो एसाबी तनाव की अलामत है। बातचीत का अंदाज। अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने का एक आसान तरीका यह है कि आप तन्हाई में कोई अखबार वगैरह बुलंद आवाज़ से पढ़ें। इस मशक के लिए आप रोज़ाना 5 मिनट वक्फ कर दें। ये कोशिश करें कि आपकी आवाज़ बिल्कुल फितरी महसूस हो। आवाज़ ना तो ज़्यादा बुलंद हो और ना ज़्यादा मध्यम, यानी आवाज़ में ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए और उसे एक ही सतह पर बरकरार रहना चाहिए। जब आप लोगों के साथ बातचीत करें तो तवील और
पेचीदा जुमले इस्तेमाल ना करें। याद रखें कि आप सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, स्टेज पर खड़े होकर तकरीर नहीं कर रहे। चनाचा शुरू शुरू में अगर महफिल में आपको मामूली बातचीत का मौका मिले तब भी मुतमईन रहें। लोगों से हकीकी दिलचस्पी। अगर आपको दूसरे लोगों से हकीकी दिलचस्पी पैदा हो जाए और आप उनकी बातें दिलचस्पी से सुनने लगें तो यकीन करें कि आप खुद को बिल्कुल भूल जाएंगे और आपकी शख्सियत में ज़हनी तनाव की कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होगी। अगर आप महफिल में दूसरों की बातें दिलचस्पी से सुनते हैं तो लोग आपको गुफ्तगू का माहिर, चालाक और हाजिर दिमाग तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो आपको पसंद करेंगे और उनमें यह ख्वाहिश पैदा होगी कि आप उनके साथ रहें और उनके दोस्त बन जाएं। वो आपको अपने दुख सुख की हर बात बताएंगे। याद रखें कि दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ही कम है जो अपनी कहानी सुनाने के बजाय दूसरों की बातें सुने। दूसरों की बातें दिलचस्पी से सुनना एक बहुत बड़ी खूबी है। जिस शख्स में यह खूबी हो लोग उसे पसंद करते हैं। याद रखने की बातें। एक, ये ना सोचें कि लोग आपकी शख्सियत का तनकीदी नज़रों से जायज़ा ले रहे हैं। लोग ऐसा हरगिज़ नहीं करते, ये महज आपका अपना वहम होता है। दो, अपने आप को याद दिलाते रहें कि महफिल में खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं और मैं हरगिज़ खौफज़दा नहीं होऊंगा। तीन, अपने पट्ठों और एज़ा को एक एक करके ढीला छोड़ दें, अपने जिस्म और जहन दोनों में सुकून की कैफियत पैदा करें। चार, अपने चलने फिरने और उठने बैठने के अंदाज में जानबूझकर वकार और तमकनत पैदा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस तरह आपकी त्वचा अपनी जानिब मबजूल हो जाएगी। आपका हर अंदाज फितरी होना चाहिए। पाँच, हर वक्त अपने बारे में सोचना तर्क कर दें, दूसरे लोगों में दिलचस्पी लें और उनकी बातें दिलचस्पी से सुने। अगर आप इस किताब का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।